हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से कोई वीडियो आपको जल्दी मिले। तो ये है बिहार एसटीटी का जो आज का एग्जाम हुआ है उसका कट ऑफ जो है साइंस के लिए, ठीक है। साइंस में जैसे 50 क्वेश्चन तो कॉमन था पेडोगॉजी एंड अदर स्किल्स है, जिसमें मैथ रीजनिंग और पेडोगॉजी था, ठीक है। तो उसमें आपको लगभग 40 से 45 क्वेश्चन ईजी थे जो कि सब करके आए होंगे 40 से 45 के आसपास में सभी का उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो 40 से 45 याद रखिए उसमें, और 100 वाले में जो होगा आपका 100 वाले में, तो 100 वाले में आप लगभग सभी लोग 70 तक आसानी से कर दिए होंगे, ठीक है। तो एक एवरेज कट ऑफ जो निकाला गया है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। इससे ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका साइंस के लिए है और मेल फीमेल यहाँ दिया गया है। तो जनरल मेल के लिए आपका जो होगा 110 तक जा सकता है, ठीक है, और फीमेल के लिए 100, और वहीं बीसी के कैटेगरी के जो भी हैं उसके मेल के लिए 100 नंबर 150 में, और आपका 95 जो है फीमेल को लाना होगा, ठीक है। इससे 4-5 नंबर आगे पीछे आप कर लीजिएगा कट ऑफ से, क्योंकि कट ऑफ जो होता है अनुमानित ही होता है, ठीक है। और ईबीसी का जो होगा 90, और आपका मेल के लिए और फीमेल के लिए 87 हो सकता है, और एसटी जो है एसटी में आपका 90 जो होगा आपका मेल के लिए और फीमेल के लिए 80 तक जा सकता है, ठीक है। और यहाँ है एससी कैटेगरी के लिए, तो एससी कैटेगरी के लिए बता दूँ तो 80 होगा आपका मेल के लिए और फीमेल के लिए 75 होगा। तो ये था एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। तो इसको दिमाग पर ज़्यादा नहीं लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ से होता है, आपको बताया जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितना जितना क्वेश्चन आप सही करके आए होंगे एवरेज लड़का लोग उसी के हिसाब से निकाला जाता है, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।